बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहन भाइयों, उम्मीद करने ठीक ठाक हो, सजित थे रहो, खुश रहो, बाद रोस्ते रहो, मुस्कांदे रहो। तो तुहाडियां दुआवां दे नाल असीं ठीक ठाक हाँ। शुरू कर अल्लाह पाक हर दे बच्चन तंदुरुस्त देवे, सेहत देवे, जिंदगी देवे। तो मेरे जिहड़े भैणां भरा बीमार ने अल्लाह पाक शफा देवे, जिन्हां कोल औलाद उन्हां नूं अल्लाह पाक औलाद देवे, तो जिंदगी आए, तो सेहत आए, तो तंदुरुस्त देवे। तो अज दे व्लॉग दा करने आगाज़, उठी मैं नाश्ता पकाई पे अंदर आई हूँ। बिलाल ना उठा बैठा इन्हें घर रोटी जो हूँ पकावनी है। जा बिलाल माए सलाम लो, सिराने वेख होर भरा सट्टी पिया। आ बिलाल का सिराना छोटा आते जी उतां भी मिठू। तो अल्लाह पाक ना हार दे बच्चे तंदुरुस्ती देवे, सेहत देवे, जिंदगी देवे। आ साडा कमरा आ नाल इतना कपड़े जेड़े धो के इतना रख, शुक्र अल्लाह पाक दा। इतना भी अल्लाह पाक हर तंदुरुस्त करे, हर नु अल्लाह पाक तफीक देवे जी। कहनी रोटी बाहर आ गई हां, ते रात नु नट हुआ जेड़ा सा पका लिया हा। ते हुण मैं आख्या भाई ना मकई दा आटा, कल मम्मी होर गई असीं तो उदू लाया आंदा मकई दा आटा, ते मकई दियां रोटियां पकाईयां ने। तो मैं कि चलो हूँ बच्चे नाश्ता कर ली सन, तो मुड़ अल्लाह करता कोई हिसाब लगता तो कितू ला के ना, तो कणाक का आटा लाए उस माशाल्लाह मकई खाई दियाँ, तो साग ना अच्छी लगदियाँ, पर साढ़े को साग नहीं बने सन ना, गुड़ वाली पात बनाई है बस ना, रोटी खाधी बैठे इकबाल ही खा ली। तो शुक्र अल्लाह पाक दे बिलाल वास्ते जी, मैं कणाक की रोटी पकावनी उन्हें तवा ही ला के हेठा रख सटिया, क्योंकि मकई की रोटी उस तू खाई दी नहीं, इस बात उन्दे कारण थोड़ा जा आटा पिया, तो उन्हें ना मैं कणाक का गुद्दा मैं कि बिलाल नूं खवाई सां रोटी कणाक दी। ते मकई दी मुड़ वड्डे बंदे ते साग ते फस जांदी, तो मुड़ो तू इतनी चेत कहीं नहीं खाई दी। ते शुक्र अल्लाह पाक दे, अल्लाह पाक हर तरह मत करे, हर नूं तंदुरुस्ती देवे, इतना ही अल्लाह दी शान। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह खुश रखे, तंदुरुस्ती और सेहत देवे। जिथे जिथे मेरे भैणां भरा वेख रहे ने, अल्लाह बहुत 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 ज़्यादा देवे। ते मेरे भाई साड़ी यही गुजारिश है तुहाडे अगे, साड़ी जिहड़ी वीडियो है पहले तो लाके आखिर ते वेखी करो, अगे भी शेयर कीती करो, सानू कोई पता चले जिहड़ा ना। इत्थे चार पाँच महीने हो गए ने, ना ही वाश टाइम पूरा होया ते ना ही दूआ टाइम सकैबर पूरे होए ने। तो मेरे भाई तुहाडी सपोर्ट ने साडा चैनल चलना है, तो तुहानू पहले दिन भी असा यही रिक्वेस्ट की है, यही तुहाडे अगे मिन्नत की है भी साडा जिहड़ा है ना, एक बच्चे की हालत आए है, दूई मेरी आए हालात है, कोई सानू भी आसरे जिहड़ा है ना तुहाडे भैणां भरावां दी सपोर्ट नाल असा लगना है। और उहदे विच हुण जिहड़ा घर दे रूटीन दे मुताबिक तुहानू दसदे पए हां, कोई पाकिस्तान दे विच इतनी महंगावत है, हर बंदे का ही यही हिसाब है, क्योंकि एक चीज़ पूरी करता दूसरी जड़ी नो नहीं होंदी, मुड़ घर दे हालात तो चलाने पंदे ने। हाँ जी मोड़, शुक्र है अल्लाह पाक दा। ते विच हुण साडे कोल दाणे नहीं आण, ते मतलब हुण आटे ते जिहड़ा ना गुजारा असां मकई ते कीता है। हाँ जी, ते किसे टाइम जिहड़ा ना असीं चावल बना लैने आ, किसे टाइम जिहड़ा ना रोटियां पका लैने आ, होर असनैन बच्चा भी जिहड़ा ना। हाँ जी अजय छोटा, पर जितने जो है बेचारे करें ना, मेहनत मजदूरी तो वह भी बेचारा नहीं कर सकता ना, तो इन्हू असं गल छे, चलो कोई सानी चार आने की उम्मीद होंगी या आस होंगी, तो थोड़े भैणा ब्रावे साड़ी यही रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है, मेहनत वाली गल है भाई, अगे तुम जरा ना साड़ी वीडियो शेयर लाजमी की करो। हाँ जी, तो ना इकबाल की लात बजन की वजह ना, तो बस बजन की वजह ना ख्या ही बनी, तो चैनल बनाया नहीं, तो अल्लाह का शुक्र है ब्याह सज्जी करके तो बच्चा ना एक बार रोटी खवा रहा हूं, तो मैं तो थालुआ ले जाऊंगा जल्ला करे तो ला बजा, चलो और नहीं तो घर खावा दे तो बन जैसे मोल तो लविंदे ना एडे महंगे ने। तो मैं हाला बोरियां आन गया, तो ना बोरियां ना तू सांज को ला पिया, तो अबू केड़ा ना बिलाल रजा के रोटी खवा दिया, अबू कड़ा है ना ओ बिलाल नु खवांदा पे पत नाल, ते नाल चाह कड़े ना ओ ताई आई अम्मी पी के जांदी पी हैगी, ते हुण खा ला रोटी खवांदे पए आन, आई श्री ते खावणी हुंदी है, हुण परेशान सिर्फ हो गया मेरी अम्मी जड़ी ने आलुआं नु जांदी पई है,
तंदुरुस्ती और सेहत देवे जिंदगी देवे गुजारा करदे पए आ या जो वक्त दे आने दे मुताबिक तुहानू शेयर करदे पए आ इो जो बच्चा अल्लाह हर दे बच्चा तंदुरुस्ती और सेहत देवे तो ढेर सारिया मेरे भैन भरावा जो मेरे भैन भरा यूके च हैं अल्लाह उन्होंने तंदुरुस्ती और सेहत देवे उन्होंने बच्चों की जिंदगी करे असि यही दुआ करने थोड़े भैन भरावान अगे असि तुम्हारे जो हालात है जिन्हें हूँ तुम दसा साल बच्चा जा रहा है तो उनके हूँ तुम आप वेख लो भी असि कितना इन हाथ ना जे नहीं खवाना तो मुड़ बंगदा तो प्यारा बेचारा दांद की है बंदा एक मिनट बर्दाश्त नहीं भुख कर सकता तो थोड़े भैन भरावान अगे यही रिक्वेस्ट असं करने मेरे भैन भरा जड़े साड़ी अगे वीडियो शेयर की करो तो कल केड़ा है ना मेरी अम्मी गई है ना मामू और अले बाद वे रोन था बहुत हाँ जी हूँ आ गए पठिया ते मैं आख्या भी मेरे को और तुम वटिंदे नहीं इस शाबाश है इस बच्चे जड़ा साडा जड़ा ना बारा चाई खड़ा तो अल्लाह इनकी जिंदगी करे तो खुश रखे तो ये शुदा जड़ा ना काफ़ी देर दा आया आए पट्ठे इस वड्डे ने आ जड़े पाए ने उस तो बाद आ वड्डे सो ये साडा आज का डंग जड़ा ना दिन गुजर जाएगा डंगरों ने पा छड़ांगा कुतर के उस तो मेरे लत न तो बहुत ज़्यादा दर्द आई मेरे को तो व्डे ने गए मैं आख्या चलो जड़ा ने मैं उत्थे चल इन्हें को बाह तरस तो शाबाश है सू सानू तो उस आख्या रब का आसरा थी कि इस बच्चे का आसरा जेडे बच्चे घर का सरकट मतलब चलाई खड़े ने पहला इन तंदुरुस्ती और सेहत दे हर दे बच्चों तंदुरुस्ती और सेहत दे तो जिंदगी देने मेरे भैन भरावान अगर दुआ है अल्लाह तुहानू ही तंदुरुस्ती और खुश रखे तो जो मेरे भैन भाई सानू सपोर्ट करते पे ने अल्लाह उन्होंने खुश रखे तो जेडे नहीं करते पे उन्होंने ही साड़ी वीडियो वेखण की तफीक देवे तो मेरे भाई साड़ी वीडियो जेड़ा ना तुहानू बार बार आते पे अनपढ़ बंदे हाँ जी वजह तो ब्लॉग बनाया क्योंकि पहले मेरा स्प्रे का काम आ स्प्रे हूँ तो टैंकी चमी नहीं जाती क्योंकि काफ़ी जड़ा है ना उनका वजन हों हूँ गारोदा सरकार चला पाँ हूँ इतनी मंगावट हो जाता हिसाब ही नहीं है जो तुम दस रहे हैं होर इतना कोई इतना मुश्किल मतलब काम हो गया अगू मोड़ तुम पता घर का सरकार तो चलाना हों माशाल्लाह कितने खूबसूरत फुल खड़े ने ते ए फसल जड़ी ना काफ़ी सारी इनकी तादाद है काफ़ी लम्बी चौड़ी खेत है ते आ वेखा ए मैं आखा वे भैन भराव ने शेयर कर लीए ये इतनी बड़ी खेत है क्या अल्लाह मालक न तंदुरुस्ती और सेहत दे जिस बेचारे गड्डी हुई है ये जिस टाइम तैयार हो जाएगी पक जाएगी उस टाइम इंदा सरयों मतलब बी निकल उनका तेल वगैरह बनाते ने घर के भी इस्तेमाल हो सकता डंगर भी दे सकते ने जे अगर सरयों मतलब होर काम होवे सरयों वेच ही सकते ने आ नाल ने पट्ठे आ माशाल्लाह ठीक ठाक उगे खड़े ने ते वड्डे वड्डे पट्ठे ने इतने छोटे नहीं है आ देखो असी आ गया से बाहर पट्ठियां विच ते नाल आ तोरिया है का ते इंदा कड़ा ना बनंदी है की भी ਕਿਸਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਚੋ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸਨੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਪੱਠੇ
ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਡੱਕ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹਲੋ ਹਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਵਟਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਡੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦਾ ਤੋਰੀਏ ਦਾ ਆਹ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਹ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਹ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ ਆ ਇਹ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਵੀ ਖਰਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੱਕਾ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਹ ਘਣੇ ਤਾਂ ਉੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਉੱਗਦੇ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਘਣੇ ਉੱਗਦੀ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਕਾਈ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਵਿੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈਗੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਕਾਈ ਹੈਗੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆ ਪੱਟੇ ਆਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਟੇ ਹੋਏ ਆਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਆਣਗੇ ਅਤੇ ਮਕਾਈ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਕਣਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਰੋੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਏ ਆਣਗੇ ਤਾਰ ਕੱਤਣੀ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਅਲੱਗ ਘਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾਲ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਬਿਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਸ਼ਾਇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਰ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਾਲ ਗਤਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਕੰਡਾ ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਗਤਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੀਸਾ ਵਿਚਾਰੇ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਖਵਾਈਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਹਦੇ ਪਏ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਫੀਕ ਦੇਵੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਗਈ ਹੈ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਚੋਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਲੂ ਅਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੋਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਸ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਲੈਸ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਹਾਂ ਕਰ